नमस्कार, INA न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ नीलम माही। आइए रुक करते हैं आज की खबरों का। खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां कचहरी से घर लौट रही दलित महिला बस के परिवार के साथ दबंगों ने मारपीट की, साथ ही बाइक भी तोड़ दी। पीड़ित परिवार का आरोप है, शिकायत करने थाने पहुंचा तो दरोगा ने गाली देकर भगा दिया। पीड़िता ने कप्तान से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। अचलगंज थाना क्षेत्र के कोरारी कला निवासी दलित महिला राम दुलारी ने बीती देर रात आवास पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा को प्रार्थना पत्र सौंपा। INA के लिए जनपद उन्नाव से संवाददाता विवेक द्विवेदी की रिपोर्ट। वो बताओ कप्तान यहाँ गए थे? हाँ, कप्तान यहाँ गए थे। क्या नाम है आपका? राम दुलारी। क्या हुआ है, क्या घटना हुई आप लोग? घटना हुआ है कि घर पे चढ़ के मारे हैं, गुम्मा लाठी से मारे हैं और गाड़ी फोड़ देने लड़कन को मारे हैं। कौन लोग मारे हैं? वो ठाकुर, जग्गा सिंह ठाकुर। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? झगड़ा हुआ, ये लोग आ रहे थे उन्नाव, इनको लोगों ने घास लिया। कोई पुरानी रंजिश है? हाँ, कोई पुरानी रंजिश नहीं है, ऐसे ने घास लिया। थाने गए थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं भाई। क्या कह रही पुलिस? पुलिस कह रही थी कि ज्यादा जल भाग जाओ, नहीं चूटर छांट देंगे। अच्छा, तो हम लोग भाग गए। और अधिकारियों के पास गई? ऊपर अधिकारियों के पास, ऊपर कप्तान के पास गई थी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मदद दिया। अच्छा ठीक। हाँ, अरे सर, नाम है आपका? सोनू, सोनू रावत। सोनू जी, बताइए क्या घटना हुई आपके साथ? घटना ये हुई सर, हमारी सिस्टर थी, कल एक कथा था तो वहाँ इनवाइट किया गया था, तो वहाँ गई थी। उनके यहाँ एक लड़का आया था, उनका कोई साला वाला था, तो हमारी सिस्टर से वो नंबर वंबर मांगा था, तो हम जाके उसके पूछे तो बताया कि हाँ नंबर चाहिए, तो उसको एक दो थप्पड़ मार दिए। तो इधर जब हम घर आए तो घर पर हमारे कोई था नहीं, तो घर पर आके पूरा परिवार हावी हो गया, हमारे पास 10 लोग बस। जी, पुलिस के पास गए थे? जी, पुलिस के पास गए थे। पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की, बिना पूछे सीधा अंदर डाल दिया, पूछा तक नहीं क्या हुआ है। एप्लीकेशन वगैरह दिया था आप लोगों ने? मौका ही नहीं दिया कुछ देने का, सीधा अंदर कर दिया। अधिकारी ऊपर अधिकारी पास गए थे आप? जी, वहाँ से मौका नहीं मिला जाने का कहीं, आज कल हुई थी तो आज आए बाहर, तो आज गए थे। जी, 2 दिन बैठे।